भैया दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th आज हमने ग्रामवासियों को साथ में लेकर के हमारा जो चारभुजा मंदिर क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी दिनों से बहुत लंबे समय से पानी की समस्या से सभी क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। हमारे जसवंत जी भाई साहब के घर से लेकर के रावड़ा तक जितने भी परिवार रहते हैं उन सब को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पूरे गांव में पानी की आपूर्ति प्रॉपर हो रही है लेकिन वो चढ़ाई का क्षेत्र होने के कारण और अन्य कई कारणों से वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। सभी लोग त्रस्त है इस समस्या से और सब मीठे पानी का टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर हैं। भले ही किसी की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो इस लॉकडाउन में लेकिन वो सब मजबूर हैं क्योंकि बिना पानी कोई रह नहीं सकता। हमने पहले भी पूर्व में भी ज्ञापन दिया है, आज भी हमने कनिष्ठ अभियंता कैसरगंज और कलेक्टर महोदय के नाम हमने ग्राम पंचायत दौरे के लेटर पेड पर ज्ञापन दिया है सभी को लेकर के और सबसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण करवाएं। लगभग 20 से 25 परिवार हैं जिन लोगों तक प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पर्टिकुलरली वही परिवार हैं जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किस तरह से आंदोलन रहेगा अगर जल्द पानी नहीं मिलता है तो? फिर अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम सभी ग्रामवासियों को बड़ी तादाद में, अभी तो हम 4-5-10 लोगों के साथ में यहाँ आए हैं, अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम बड़ी तादाद में माताओं बहनों को साथ में लेकर के जलदाय विभाग पर मटकियाँ फोड़ करके वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनाने के लिए किसी भी हद तक आंदोलन करने के लिए हम आतुर हैं, हम तैयार हैं। रवि गुजर, ग्राम पंचायत दौराई, ग्रामवासी। भैया एक खबर तो इसको रहने का, एक खबर जाता है मतलब खबर से जाता है।